महाराष्ट्र के अलीबाग शहर में अगर आप पर्यटकों से भरी जगह से आगे बढ़कर लोगों से पूछेंगे कि सिनेगॉग कहाँ है, तो शायद आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मागन ओबोथ जैसे मशहूर सिनेगॉग के बारे में इन लोगों को नहीं पता। ये सवाल आपके मन में आ सकता है, मेरे मन में भी ये सवाल आया, लेकिन तभी एक स्थानीय महिला ने मुझसे पूछा, आप सिनेगॉग यानी मस्जिद कहिए। जब मैंने मस्जिद पूछा तब जाकर लोगों की समझ में आया। अच्छा, आपको मस्जिद जाना है, ये बोलकर कोई भी आपको सिनेगॉग तक ले जाएगा और फिर ये सवाल आपके मन में आएगा कि कोई सिनेगॉग को मस्जिद कैसे कह सकता है। सिनेगॉग यहूदियों के प्रार्थना स्थल को कहते हैं। आप सोचेंगे कि जहां पूरी दुनिया में मुसलमानों यहूदियों में विवाद है, वहां कोई सिनेगॉग को मस्जिद कैसे कह सकता है। लेकिन इसके बाद आपको कई और ऐसे झटके लगेंगे और धीरे धीरे बेने इसराइली के बारे में पता चलेगा। आज संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इसराइल के बीच हुई शांति वार्ता से सब हैरत में हैं। यहाँ तक कि यरूशलम, वाशिंगटन और दुबई में बैठे नेताओं को भी शायद इस पर भरोसा नहीं हो रहा होगा। मुसलमान और यहूदी जैसे दो धर्मों में बटे देशों में शांति समझौता कैसे हो सकता है? यूएई जैसा एक मुसलमान देश इसराइल को बिना शर्त कैसे मान्यता दे सकता है? भारतीय मुसलमानों और यहूदियों ने कई सदियों पहले एक साथ मिलजुल कर रहने की मिसाल कायम की थी। 1948 में इसराइल बनने के बाद शायद ही कोई साल शांतिपूर्ण रहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ मुसलमान और यहूदी ही नहीं बल्कि हिंदू, पारसी और ईसाई सभी धर्मों के लोग खुशी खुशी साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के इतिहास में एक मुसलमान रियासत का शासन एक यहूदी व्यक्ति संभाल चुका है। रोमन सल्तनत ने जब यरूशलम का यहूदी मंदिर तोड़ा तब यहूदियों ने जियोडिया प्रांत और नार्दन गलीली को छोड़ दिया। सन 135 यानी अब से 1885 वर्ष पहले जब रोमन लोगों ने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया तो अपना धर्म और संस्कृति बचाने के लिए यहूदी रोमन साम्राज्य से पलायन करने पर मजबूर हो गए। यहूदियों की टोलियां दुनिया भर के अनेक देशों में जाकर बस गई। इन टोलियों को लास्ट ट्राइब्स कहा जाता है और भारत में आए बेने इजरायली, कोचीन में आए यहूदी और मणिपुर में बसे बेने मनाशे इसी बिरादरी के माने जाते हैं। इस तरह बेने इजरायली लोगों और भारत का नाता 1800 साल से ज्यादा पुराना है। अब बात उस मुसलमान रियासत की जिसने एक यहूदी को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मुरुड जंजीरा रियासत महाराष्ट्र के पश्चिम किनारे पर थी। यहाँ सिद्दी समुदाय का शासन था। अरबी भाषा में टापू को जजीरा कहा जाता है। इसी जजीरा शब्द का अपभ्रंश जंजीरा बना क्योंकि वो एक टापू पर बना किला था। दादी रुस्तमजी बनाजी की किताब बॉम्बे एंड द सिद्दीजी में इसकी जानकारी मिलती है। यहूदियों की ही तरह सिद्दी समुदाय में भी बाहर से भारत में आया और यहीं बस गया। 7वीं सदी में अफ्रीका से आए सिद्दी पहले गुलाम और उसके बाद शूर वीर सैनिक बनकर भारत के कई हिस्सों में फैल गए। उन्हीं में से एक मलिक अंबर अहमदनगर राज्य में प्रधानमंत्री भी बने। जमात उद्दीन याकूत नाम के सिद्दी गुलाम दिल्ली की मलिका रजिया सुल्तान के खास माने जाते थे। जंजीरा और जाफराबाद एक सिद्दी रियासत थी और उसके बाद गुजरात में सचिन रियासत सिद्दियों ने हासिल की। उनकी लड़ने की क्षमता, कद, काठी देखकर अनेक राजाओं ने उन्हें आश्रय दिया और अपनी सेना में भर्ती किया। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में आज भी सिद्दी रहते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिद्ध प्रांत में भी सिद्दी रहते हैं। सिद्दी समुदाय के आधिपत्य में रहे जंजीरा किले को कभी कोई मराठी राजा या पेशवा नहीं जीत सका। साल 1948 में भी भारत में शामिल होने के बाद ये जंजीरा किला मराठी प्रांत की परिधि में नहीं आया। सतारा के शाहू महाराज, पेशवा और सिद्दी समुदाय के आपसी संघर्ष की कल्पना गोविंद सखाराम सरदेसाई की लिखी मराठी रियासत खंड 3 पढ़ करके की जा सकती है। मुरुड जंजीरा रियासत के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरानी किताबों में हफसान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि हफसान अफसीनिया शब्द का अपभ्रंश है। उस समय सिद्दी समुदाय को महाराष्ट्र में हफशी कहा जाता था। इस रियासत के दीवान का पद शलोम बापूजी वारघरकर के पास था। दीवान पद को स्टेट कारभारी भी कहा जाता था। शलोम बापूजी इजराइल वारघरकर का जन्म 7 अगस्त 1853 को बेलगांव में हुआ था। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने क्लर्क की नौकरी हासिल की। बाद में वो हेड क्लर्क बन गए। उन्होंने साल 1872 से काम शुरू किया और 1888 में जंजीरा के नवाब सोने खान साहेब के खिताब से नवाजा गया। इसके बाद जल्द ही उन्हें खान बहादुर की उपाधि भी मिली। इतना ही नहीं, साल 1891 से 96 तक वो जंजीरा सल्तनत के दीवान रहे, यानी इस दौरान रियासत का कामकाज उन्होंने ही संभाला। उस समय अहमद खान सिद्दी इब्राहिम खान जंजीरा के नवाब थे।
इस बारे में तेल अवीव में रहने वाले इतिहासकार एलियास दांडेकर ने बातचीत में कहा कि उन्होंने मुरुद जंजीरा रियासत में मुसलमान और हिंदू दोनों ही समुदाय के लोग थे। शलोम ने दोनों समुदाय के बीच एकता कायम करने का काम किया। साल 1894 में शलोम बापूजी की बेटी मिल्का का मुरुड में निधन हो गया। उस समय उनकी बेटी को दफनाने के लिए यहूदी कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। शलोम बापूजी ने ये बात नवाब को बताई। इसके बाद नवाब ने यहूदी कब्रिस्तान के लिए जमीन दी। मुरुड में ये कब्रिस्तान आज भी है। जंजीरा रियासत की वार्षिक रिपोर्ट देखने के बाद हर धर्म के लोगों को दीवान पद पर काम करने का मौका दिया गया। शलोम के पहले विनायक सखाराम कर्णिक और मिर्जा अब्बास बेग भी दीवान पद पर रहे थे। शलोम के बाद राव बहादुर व्यंकट राव सुब्बाराव कोपिकर दीवान बने थे। नवाब ने यहूदी धर्म के शलोम बापूजी को उन्हीं खान बहादुर और खान साहिब जैसी उपाधियों से सम्मानित किया था जिनसे मुसलमानों को नवाजा जाता था। वहीं कोपिकर को हिंदू रिवाज के अनुरूप उपाधि दी गई। साल 1896 से 97 में जंजीरा रियासत की वार्षिक रिपोर्ट के बाद सर न्यायाधीश रघुनाथ दामोदर ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पारसी धर्म के करसेट जी जीवन जी मिस्त्री की नियुक्ति की गई। यानी जंजीरा रियासत में अलग अलग धर्मों के लोगों को वरिष्ठ पदों पर काम करने का मौका मिलता था। रियासत की कुछ वार्षिक रिपोर्ट में कारभारी की जगह दीवान शब्द का इस्तेमाल किया गया। जंजीरा रियासत की 1890-98 के बीच की सालाना रिपोर्ट इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।